वेलकम टू माय चैनल राज टुडे हिंदी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के डिफरेंस के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही मेन डिफरेंस बताऊंगा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये मेरा वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पहला डिफरेंस है, पावर ट्रांसफार्मर का यूज इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज केवल इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। दूसरा डिफरेंस है, पावर ट्रांसफार्मर का यूज ट्रांसमिशन नेटवर्क में हायर वोल्टेज जैसे 400 kV, 200 kV, 132 kV, 110 kV, 66 kV, 33 kV को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज लोअर वोल्टेज जैसे 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 440 kV, 230 V को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। अगला डिफरेंस है, पावर ट्रांसफार्मर का यूज ट्रांसमिशन स्टेशन और जेनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। मतलब कि पावर ट्रांसमिशन का यूज केवल जेनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन स्टेशन में अधिकतर होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज मेनली डोमेस्टिक पर्पज के लिए किया जाता है। मतलब कि घरेलू उपयोग के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेनली हमारा यूज होता है। पावर ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम इफिशियंसी मतलब कि 100% पर डिजाइन किया जाता है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वो मैक्सिमम पर होता है, मतलब कि 100% वो इफिशियंसी पर डिजाइन किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को 50-70% इफिशियंसी पर डिजाइन किया जाता है। मतलब कि इसको मैक्सिमम इफिशियंसी पर डिजाइन नहीं किया जाता है, जबकि क्या करते हैं कि हम पावर ट्रांसफार्मर को 100% इफिशियंसी पर डिजाइन करते हैं। इन दोनों के बीच अगला डिफरेंस है, पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है। मतलब कि जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोड फ्लक्चुएशन नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि इस पर डायरेक्ट आउटपुट लोड हमारा कनेक्ट नहीं रहता है, इसलिए इसका लोड फ्लक्चुएशन क्या होता है कि बहुत कम होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है वो डायरेक्ट लोड से कनेक्ट रहता है, तो इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोड फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही होता है। पावर ट्रांसफार्मर में पूरे दिन आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस होती हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस हमेशा होती हैं, किंतु कॉपर लॉसेस लोड साइकिल पर डिपेंड करती हैं। पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पे ऑपरेट होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फुल लोड से कम लोड पे ऑपरेट होता है। पावर ट्रांसफार्मर का जो साइज होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। अगर हम फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तुलना में पावर ट्रांसफार्मर की हाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज टुडे हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।